बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। एमएनएस के सुप्रीमो राज ठाकरे रियासत भर में इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना को इख्तदार से दूर रखने के लिए राज ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद के हक में मुहिम चला रहे हैं। इसी के तहत 12 अप्रैल को नांदेड़ के नया मुंडा मैदान में जलसे आम का इनेकाद किया जा रहा है। इसकी इत्तला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मकामी जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। एमएनएस के अहदेदारान का कहना है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस मुल्क को बदहाली में मुब्तला कर दिया है और मुल्क को इस बदहाली से बाहर निकालने, पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ वोटिंग करवाना वक्त की अहम जरूरत है और यही बात लोगों को समझाने के लिए राज ठाकरे ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों का इनेकाद का फैसला किया है। नांदेड़ में भी रैली की जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। सभेसाठी माझा एवढंच नांदेड जिल्ह्यातील सर्व बांधवांना विनंती आहे की आपणही राजसाहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी जास्तीत जास्त संख्येने सभेसाठी उपस्थित राहून आम्हा सर्व पक्षाच्या लोकांना सहकार्य करावे। मोदी शाहमुळे कशामुळेला मोदी शाह आणि भाजपामुळे देशाला किती धोका आहे आपण सर्व जाणताच आहात आणि त्यांनी आपल्या पैशाची कसा गैरवापर केला हे राजसाहेब आपल्याला येणाऱ्या उद्याच्या सभेत पुराव्यानिशी बोलणार आहेत। त्याच्यामुळे मला सर्व बांधवांना विनंती की जास्तीत जास्त संख्येने आपण उपस्थित राहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे लोकसभा के हेतु से आज नांदेड़ जिले में 12 तारीख आने वाले 12 तारीख को सबकी जाहिर सभा डिक्लेयर हो गई है। 12 तारीख को शाम में 5 बजे नया मुंडा मैदान पर सबकी सभा है, जाहिर सभा है। सभा को क्या उद्देश्य है? सभा का उद्देश्य ये है कि साहब को हमारे देश आज हमारा देश एक संकट में पड़ा हुआ है। आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकुमशाही चल रही है, उस हुकुमशाही से हमारे को मुक्त करने के लिए साहब ने सभा ली हुई है।